हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। ये आज आपके यहाँ पर जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में चौधरी मतीन साहब भी आए थे और वो इंदौरिया साहब जो आपके कांग्रेस के पदाधिकारी ऑब्जर्वर इंदौरिया जी ऑब्जर्वर आए थे, तो क्या तय पाया इस मीटिंग में, क्या तय किया गया? इस मीटिंग में ये तय पाया कि सब मिलजुल के कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और जिसको भी चौधरी साहब और इंदौरिया जी चाहेंगे लड़ाना उसके लिए सब जी जान से मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट जिता के लेके जाएंगे। चौहान बांगर वार्ड पे उपचुनाव हो रहा है तो क्या आप भी इसमें उम्मीदवार हैं? हाँ, हम भी उम्मीदवार हैं इसमें, हम भी टिकट मांग रहे हैं, आगे अल्लाह जो करेगा उसे मंजूर होगा जो चॉइस आप करेंगे। इस सीट पे आपको क्या लग रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को किस तरह से टक्कर देंगे? आम आदमी पार्टी का तो सीट पे कुछ भी नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेरा गरक कर दिया है, जमातियों के लिए मरकज पे ताला लगवा दिया और दंगे में कोई उनका रोल बहुत ख़राब रहा, जो दिल्ली के दंगे हुए थे पूर्वी दिल्ली में उसमें बहुत ख़राब रोल रहा, आके बिल्कुल नहीं देखा, बहुत जुल्म हुआ। केजरीवाल के नेता तो ये कहते हैं कि हमने दंगों में मुआवजा भी दिया है और जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान पूरा करने की कोशिश की है। कोई मुआवजा नहीं दिया, दंगा ग्रस्त क्षेत्र में चलो अगर इन्होंने कोई मुआवजा दिया, वो सब बेचारे अभी घर से बेघर हैं, अभी तक सब परेशान हैं, ज़्यादातर लोग वो किराए पर रह रहे हैं, कहीं उसमें जो कैंप बनाए थे जमात इस्लामी हिंद ने उनने मदद करी है, ना तो इसने वक्फ बोर्ड ने कोई मदद करी, बस ढोंग पीटा है मदद करने का, सब बहुत परेशान है बेचारे। अमानतुल्लाह खान यहाँ इस वार्ड में आ रहे हैं और आकर के जो है वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, तो उनसे कैसे पार पाएंगे? अमानतुल्लाह खान का जगह जगह विरोध हो रहा है, कोई घुसने नहीं दे रहा, वहाँ पे मीटिंग होती है, कोई वो सवाल करते हैं उनसे, उनसे जवाब नहीं दिया जाता, कोई भी उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या रोल रहा, तुम दंगों के टाइम कहाँ रहे, केजरीवाल सरकार क्या मुस्लिम जो नुमाइंदे हैं केजरीवाल सरकार में विधायक हैं 5-6 उनका कोई रोल ही नहीं था। ये किसान का मसला नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पब्लिक के हर एक शख्स का मसला है, जब ये किसान कानून लागू हो जाएगा तो इसका असर एक आम आदमी पर भी पड़ेगा, हो सकता है आने वाले वक्त में 100 रुपये किलो आटा बिके, ये किसान का मसला नहीं है, इसके पीछे कुछ और राज है, उस राज को समझ गए हैं किसान और किसान के बेटे हैं जो सरहदों पर रखवाली कर रहे हैं इस देश की, इस मुल्क की, वो किसानों के ही बेटे हैं, इसका असर सीमा तक पहुँचेगा। आज कोर्ट ने स्टे इनको कर दिया है और तमाम आवाम जो है, तमाम इलाके के जो तमाम हिंदुस्तान के लोग हैं वो सब ये चाहते हैं कि ये जो किसानों की मांग है ये सही तरीके से पूरी होनी चाहिए और इसमें एकता रहनी चाहिए। किसान इतनी मजबूरी में अभी भी डटे और ये डटे रंग है, सरकार भी मानेगी, इसी तरह से अगर हम लोग अपने अपने घरों से निकल के किसानों की हौसला अफजाई करेंगे और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कुर्बानी दे रहे हैं वहाँ ऐसी कड़ाके की ठंड में, और सरकार के बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक ये बड़े बड़े अच्छे कमरों में हीट करके बैठे हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये किसान है जो देश में सरकार बनवाता है, यही सरकार पलटवा देगा अगर सरकार मोदी प्रशासन की आँख ना खुदी, भाजपा सरकार की आँख ना खुदी। केजरीवाल ने हमारा मरकज निजामुद्दीन आज तक बंद है उसको खुलवाने के लिए कोई काम नहीं करा, यहाँ घूम रहे हैं और पहले जो पैसा खा गए किसी वक्फ बोर्ड के लिए ये पैसा जमा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड बांटेगा इन पैसों को, 1 रुपया उसने नहीं बांटा और सब अपने अकाउंट पे जमा कर दिया है और अब वो हमारे इलाके में आके अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको